अच्छा, कभी कभी ना दूसरों का बिहेवियर ही काफी होता है हमें ये बताने के लिए कि हमारे सवालों का जवाब क्या होगा। अपनी जिंदगी की किताब के नेक्स्ट चैप्टर पर हमेशा विश्वास रखो, क्योंकि इस किताब का ऑथर हम ही तो हैं। तो इस पे क्या लिखना है, हमारे अलावा ये कोई और क्यों डिसाइड करे? और जिस कलम से आप इसके ऊपर अपनी कहानी लिखने वाले हैं ना, उस कलम के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए और आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए, ताकि आपको लोग इफेक्ट ना करें जब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पता है, कुछ बंद दरवाजों के लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं होगा, शायद इसीलिए बंद है अभी, या फिर हो सकता है ये सही वक्त नहीं है जब हम उस रास्ते पे चले। तो या तो सही रास्ते का इंतजार करो या सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन अपने अतीत के पीछे नहीं पड़ो। अच्छा सोचो कि कहीं बहुत अच्छी, कहीं बेहतर चीज हो सकता है कि तुम्हारा इस वक्त इंतजार कर रही है, और तुम यहां सर पकड़ के बैठे हुए हो कि तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया। हाँ, तो इस चीज पे विश्वास तो रखो। अगर विश्वास रखोगे तो सब हो सकता है, हमारी रूठी हुई किस्मत भी हम बदल सकते हैं। बस विश्वास करके देखो, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा भी दम लगा या ऐसा लगता है कि आप मुझे इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। और अगर अच्छी लगी ये बात तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर। फॉलो दिस वॉइस, फॉलो।